चलो बच्चा, अभी स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सम जो है। सम बेसिकली हम जो कर रहे हैं वही सीक्वेंस में आ गए। मतलब इसमें जो है दो लाइन पैरेलल दी होगी, तीसरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद सम को सॉल्व करेंगे। तो बच्चा, सम में जो इंफॉर्मेशन है, इन गिवन फिगर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी। सी मतलब ये वाले एंगल की बात हो रही है। इफ ए, ये मतलब ये वाले एंगल की बात हो रही है। ए इज टू थर्ड ऑफ अ बी, बी जो है उसका टू थर्ड ए है। तो गिवन में हमने लिख दिया, गिवन हमने क्या लिखा, ए इज इक्वल टू 2/3 बी, विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45। तो बी जो है वो 45 है। कितना है बच्चा, 45। तो ये आपको पहले क्लियर करना है। अभी सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़े उससे पहले आप बोलोगे सर कंस्ट्रक्शन लिख लेते। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, एज यूजल हमें पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या पैरेलल लाइन, किसकी पैरेलल, ए बी पैरेलल टू, यहाँ पे एक पॉइंट होना चाहिए तो प्रॉपर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कोई पॉइंट है ही नहीं। हाँ बच्चा, मैंने थोड़े नाम चेंज कर दिए तो क्या कंफ्यूजन ना आए। तो हमने एक और पैरेलल ड्रॉ कर दिया L3, क्योंकि पुरानी फिगर ही हम यूज कर रहे थे, इसकी वजह से थोड़े नाम प्रॉपर नहीं आ रहे थे। अभी प्रॉपर हो गया, ए बी की जगह हम लिख लेंगे ड्रॉ अ पैरेलल लाइन L1 पैरेलल टू L3 पैरेलल टू L2। तो ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। जैसे ये पैरेलल आप प्रूव कर लेते हो बच्चा, तो हम आगे जा सकते हैं। प्रूव तो नहीं किया, सीधा कंस्ट्रक्शन कर दिया तो हो जाएगा। तो अभी आप बोलोगे सर कैसे करेंगे, तो हमें ए का पहले वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, यहाँ के बी की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। तो आप बोलोगे 2/3 × 45, तो ये हो जाएगा 15, ए इज इक्वल टू 30। तो ये हो गया। जैसे ये पॉइंट हो जाता है, ए एंड बी मिल जाता है बच्चा, तो ए बोलोगे 30 का है और ये आप बोलोगे 45 का है। बस बच्चा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का लॉजिक लगा के हमें सम सॉल्व कर देना है, बाद में पूरे एंगल का टोटल कर देंगे, बात खत्म। तो हम यहां लिखेंगे, ये तो हम सीधा लिखेंगे ए इज इक्वल टू। बच्चा यहाँ पे प्रॉब्लम वो हो रही है, लिखने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो ये एंगल हो जाएगा 30, मैं समझा देता हूं, बाद में हम टोटल लिख लेंगे तो काम हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पी एम और यहाँ पे क्यू ले लेते हैं, क्योंकि लिखना तो पड़ेगा, कैसे हम लॉजिक बिठाएंगे। और यहाँ पे लिख लेते हैं हम एस डी, तो ये हमने लिखा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले पी एम क्यू, तो पहले लिखेंगे ई पी एम, ई पी एम इज इक्वल टू, किसके इक्वल करेंगे, तो आप पी एम क्यू, पी एम क्यू। तो ये है ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे ई जो है ये 30 हो जाएगा, तो ई पी एम क्यू हो जाएगा 30, वो भी क्योंकि ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है, जेड बन रहा है। सेम लॉजिक हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये वाला, आप यहाँ पे लिखोगे क्यू एम डी जो हमें ढूंढना है, और दूसरा है एस डी एम, तो ये भी ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये आप बोलोगे सर यहाँ पे जो बनेगा वो है 45 और एस डी एम मिल जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, हमें ढूंढना है पूरा सी एंगल, जो सी एंगल जो बन रहा है पूरा सी, वो कुछ इस तरह बन रहा है। ये पी एम क्यू को प्लस करेंगे और एस एस डी एम को प्लस करेंगे, तो सी बनेगा 30 + 45, तो सी इज इक्वल टू 75 हो जाएगा। समझ में आया बच्चा, बहुत सिंपल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। सब्जेक्ट तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रैक्टिस अच्छी तरह करोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एग्जाम के साथ।